आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय लेडरबर्ग इज ओके। तो जो एक्सपेरिमेंट लेडरबर्ग साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था, रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, टिश्यू कल्चर, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, दे स्प्रेड द डाइल्यूटेड बैक्टीरियल कल्चर। तो डाइल्यूटेड बैक्टीरियल कल्चर को उन्होंने स्प्रेड किया कहाँ पे? न्यूट्रंट मीडियम पे, न्यूट्रंट मीडियम प्लेट पर, न्यूट्रंट मीडियम प्लेट्स एंड इंक्यूबेटेड। और फिर उसको इंक्यूबेट किया कुछ देर तक, जब तक, कब तक? टिल द विजिबल कॉलोनीज ऑब्जर्व, तब तक जो कॉलोनी है वो विजिबल नहीं हो जाती। टिल द विजिबल बैक्टीरियल कॉलोनीज ऑब्जर्व्ड। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन्वर्जन एंड प्रेसिंग ऑफ प्लेट। तो ये जो हमारी प्लेट है इसको उन्होंने क्या किया, प्रेस किया, इन्वर्जन एंड प्रेसिंग ऑफ प्लेट्स। अब कहाँ पे इन्वर्ट किया, कहाँ की ओर? द वेलवेट क्लॉथ, देन द सेम वेलवेट क्लॉथ, और उसके बाद उस सेम वेलवेट क्लॉथ को प्रेस्ड किया न्यूट्रंट मीडियम पे। सेम वेलवेट क्लॉथ इज प्रेस्ड ओवर न्यूट्रंट मीडियम प्लेट। और इस न्यूट्रंट मीडियम प्लेट पे जहाँ पे वेलवेट क्लॉथ को प्रेस्ड किया गया, यहाँ पे प्रेजेंट था हमारा एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। ओके, तो डेट कंटेनिंग एंटीबायोटिक, और कौन सी एंटीबायोटिक थी? एम्पिसिलिन। अब एंटीबायोटिक क्या होती है, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो यहाँ पे इस प्लेट के अंदर हमारी एंटीबायोटिक प्रेजेंट थी। तो अब इसको भी थोड़ी देर इंक्यूबेट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इसके इंक्यूबेशन के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी रेयर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट कॉलोनी है वो फॉर्म हो गई है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उस वो मतलब एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट है। रेसिस्टेंट होने का मतलब है कि कुछ बैक्टीरिया की कॉलोनी इस एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट हो गई है, मतलब उनकी डेथ नहीं हुई, वो इजिली सर्वाइव कर गए हैं। तो मतलब इस प्रोसीजर से क्या पता चला कि ये जो ग्रोथ हुई है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट कॉलोनीज की, वो किसके कारण हुई है? पेरियर टू द एक्सपोजर ऑफ एंटीबायोटिक्स, की वो एंटीबायोटिक से एक्सपोज करने से पहले ही हो गई है। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, रेप्लिका प्लेटिंग टेस्ट। तो एंटीबायोटिक से एक्सपोज करने से पहले ही ये जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट कॉलोनी है वो डेवलप हो गई है। तो यहाँ पे रेप्लिका प्लेटिंग टेस्ट को हम देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मीडियम है तो यहाँ पे सारी कॉलोनी ग्रो कर गई है, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक प्रेजेंट है तो सिर्फ कुछ ही कॉलोनी जो कि एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंट थी वही ग्रो की है। ओके, तो ये क्या बताता है कि जो हमारी म्यूटेशन है वो रेंडम है। एंटीबायोटिक से इंक्यूबेट करने के बाद जो म्यूटेशन है वो डेवलप नहीं हुई है, वो पहले से ही जो रेसिस्टेंट कॉलोनी है वो डेवलप हो गई थी। तो ये बताता है कि जो हमारी म्यूटेशन है वो रेंडम है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट दैट हेल्प्ड टू शो दैट मैनी म्यूटेशंस आर रेंडम, कि जो म्यूटेशंस हैं वो रेंडम है, डायरेक्टेड नहीं है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा हमारा, बैक्टीरियल कल्चर। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।